जहेज ना होने की वजह से, गुर्बत से, नादारी से मेरी बेटियां और मेरी बहनें वो अपने घरों में बैठती हैं, घरों में बैठ के वो अपने बाल सफेद करती हैं, और उन्हें कोई अपनाता इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं होता, उनके पास जहेज जैसी लानत के लिए रकम नहीं होती। सबसे उम्दा मिसाल जहेज की आप बारगाह नबूवत से जाकर लें कि सैयदतुन्निसा खातून जन्नत, आपको हुज़ूर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तकल्लुफ से जहेज दिया और क्या पेश फरमाया, और वो कायनात का वाली क्या पेश नहीं कर सकता था। और मैं आज की इस तकरीब के हवाले से हुजूर सुल्तान अल-आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जत अमजद के आस्थान आलिया के उनके मजार मुकद्दस के रूबरू अपने तमाम तहरीकी साथी, अपने तमाम तहरीकी भाई जो इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल-आरिफीन के साथ वाबस्ता है, वो तमाम मेरे साथी और मेरे भाई इस मकाम मुकद्दस के सामने मेरी इस बात को ऐलान समझें, मेरी इस बात को गुजारिश समझें, या मेरी इस बात को मशवरा समझें, या बंदर आशीष की इस बात को हुक्म समझें, ये आप पे लागू होगा और आपको अपने आप के ऊपर ये लागू करना होगा। और ये रवायत हम शुरू करेंगे, ये रवायत हम डालेंगे तंजीमुल-आरिफीन के ये जानेसार के आइंदा जहां भी हमारे बेटों की शादी होगी और जहां से भी हम रिश्ता तलब करेंगे, हमारी शर्त ये होगी कि हम उस बेटी से जहेज वसूल नहीं करेंगे। क्या आप हुजूर सुल्तानुल-आरिफीन के जद्दे अमजद के रूबरू आप ये वादा करके जा रहे हैं, आप इस वादे को इफा करेंगे? जहां से भी हमारे बेटों की शादियां होंगी वहां पे हमारी शर्त ये होगी बेटी लेने की कि हम जहेज की लानत नहीं लेंगे। और याद रखें, अगर इस रवायत का आगाज सुल्तान बाहू के गुलाम नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं करेगा। अगर इन रवायात की बुनियादें एक जिंदा और एक आलमगीर तहरीक के कारकुनान नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं करेगा।